ईद उल अजहा के तीसरे रोज कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। दिन में कई बार घंटों की बिजली बंदिश से शहरी परेशान हो गए। सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। क्या ईद, क्या बकरा ईद, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दो से तीन बार तीन तीन घंटे लोड शेडिंग ने ईद की खुशियाँ फीकी कर दी। शहरी कहते हैं ईद पर भी लोड शेडिंग से जान नहीं छूटी। बिजली को रोएंगे, ईद क्या मनाएंगे, इलेक्ट्रिक वालों को रो रहे हैं बैठ के। तीन तीन घंटे जा रही है और आती नहीं है ये लाइट, और देते ही नहीं है। आज तो मेरे ख्याल से तीसरी दफा गई है और तीन तीन घंटे जा रही है। गायें खड़ी हुई है गली में, लाइट है नहीं। गायें काटने से रह गए कि उसको रखेंगे कहाँ। तीन तीन घंटे लाइट बंद कर रहे हैं। घर की लेडीज जाए तो अब जाए कहाँ। चलो हम तो बाहर गली में आके थोड़ी सी हवा खा लेते हैं, लेकिन घर की लेडीज कहाँ जाएगी। शहरियों का कहना है कि गर्मी में बिजली न होने से ईद पर मेहमानदारी भी मुतासिर है। तीसरा दिन था, दावत थी नानी घर पे, वहाँ जाना था, लेकिन लोड शेडिंग इतनी हो रही है, कपड़ों पे प्रेस कैसे होगा कपड़े। मेहमानदारी जो चल रही है उसमें एक तो पानी मोटर का नहीं आ रहा, फिर दूसरा ये कि ईद के मौके पे जो है पानी की दुकानें बंद है, जो वाटर आरओ प्लांट जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अब पानी पीने के लिए कहाँ से लेकर आए। लियाकताबाद, गुलबहार, गोलीमार समेत कई इलाकों में ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी बिजली की बंदिश मामूल के मुताबिक जारी है। ईद उल अजहा के मौके पर भी बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं शदीद गर्मी में कई कई घंटे लोड शेडिंग से जिंदगी मुश्किल हो गई। कैमरामैन शादत बलोच के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची।